आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ बस्ती की हुरैया सीट से भाजपा विधायक अजय सिंह ने मंगलवार को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है कि उन्होंने पिछली सपा सरकार में चेक डैम निर्माण में हुए घोटालों से संबंधित सवाल विधानसभा में उठाए थे। इसे तोड़ मरोड़ कर संजय सिंह ने अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया के सामने पेश किए हैं। अब वो सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 8 तारीख को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। एक कोई कंपनी है जो पाइप सप्लाई करती है, उसके ऊपर आरोप लगाया था, पाइप घोटाले का आरोप लगाया था। उस पर उन्होंने मेरा भी नाम दिया था। कल आप लोगों को पता होगा कि हमारे जल शक्ति मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने अपना विषय पूरा क्लियर कर दिया था। उन्होंने मेरा भी नाम लिया था कि मैंने भी जल शक्ति विभाग के खिलाफ शिकायत किया है। वो पूरी तरह से फेक है। संजय सिंह ने फ्रॉड किया है, संजय सिंह ने फर्जी तरीके से मेरा नाम लिया है। मैंने समाजवादी पार्टी के समय में चेक डैम घोटाले से संबंधित 2017-2018 में मैंने नियम 51 के तहत क्वेश्चन दिया था और चेकअप भी हुआ था और उसकी जांच चल रही है। उसको उन्होंने फेक तरीके से जल शक्ति, जिस समय मैंने नियम 51 की तरफ क्वेश्चन उठाया था उस समय जल शक्ति विभाग बना भी नहीं था, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी मंत्री भी नहीं थे और मैंने पिछली सरकार के खिलाफ दिया था। पूरे प्रदेश में कागज पर चेक डैम बने थे और वास्तव में धरातल पर चेक डैम बने नहीं थे, उसके संबंध में दिया था। डॉक्टर संजय सिंह ने ये मेरी मानहान की है, मेरे सरकार के खिलाफ। उस समय जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह ये निकल आते हैं और इनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में मेरे इस फर्जी फेक और फ्रॉड दस्तावेजों के आधार पर अपना जमीन तैयार करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उनका कुत्सित प्रयास है। उनके खिलाफ मैं FIR दर्ज कराने के लिए आया हूँ कोतवाली, हजरतगंज कोतवाली थाने में। बीती 8 अगस्त को आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि यूपी में 1,20,000 करोड़ की इस योजना में 60,000 करोड़ केंद्र सरकार और 60,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को लगाने हैं। पूरे मिशन को 3 फाइनेंशियल ईयर में पूरा किया जाना है। साल 2020-21 में काम तो जमीन पर जीरो है। और योगी बाबा के सबसे करीबी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की देखरेख में भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें मैं जानकारी देना ये चाहता हूँ कि एक कंपनी है रश्मि मेटेलिक, और वो रश्मि मेटेलिक कंपनी जिसको पाइप सप्लाई का काम दिया गया है जल जीवन मिशन में, हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई कर रही है ये कंपनी उड़ीसा से रिजेक्टेड है, जम्मू कश्मीर से रिजेक्टेड है, पंजाब से रिजेक्टेड है, हिमाचल से रिजेक्टेड है, मध्य प्रदेश से रिजेक्टेड है, छत्तीसगढ़ से रिजेक्टेड है, झारखंड से रिजेक्टेड है, वेस्ट बंगाल से रिजेक्टेड है और तो और आर्मी से भी रिजेक्टेड है। ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का। इसके बाद उत्तर प्रदेश की संस्थाओं ने इसकी जाँच कराई, अधीक्षण अभियंता ने इसके जाँच के आदेश दिए, ADM ने रिपोर्ट दी कि हाँ इसकी कंपनी, ये जो पाइप सप्लाई है वो घटिया क्वालिटी की है, इसको नहीं लेना चाहिए, बावजूद इसके आप उसको हजारों करोड़ रुपए का काम दिए हुए हैं। तो ये सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार है। इसके अलावा आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने सीधे सीधे योगी सरकार के जल कल विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने यूपी के कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कमीशन लेकर काम देने का आरोप लगाया है और जाँच न होने पर धरना देने की धमकी भी दी थी। अब इस मुद्दे पर भाजपा विधायक ने लखनऊ से हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पंजाब केसरी TV के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।